हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, इमली का नाम लेते ही हमारे मुंह में इतना सारा पानी आ जाता है यार। इमली खाना किसे नहीं पसंद आज के टाइम पर, या इससे पहले के टाइम पर भी इमली खाना सबको पसंद था। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है इमली। लेकिन आपको क्या पता है कि इमली खाने में जितनी टेस्टी होती है, इसी के साथ साथ इमली हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होती है? अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि इमली हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होती है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, फेस पर काली छाइयां आपको चूंकि आपके स्किन पर काफी ज्यादा सन टेन है, तो इन सबको दूर करने के लिए आप इमली का यूज करके अपनी स्किन की काफी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, अपनी स्किन को क्लीन बना सकते हैं। वो कैसे आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू। सो फ्रेंड्स, इमली में विटामिन सी, ई, बी और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन की रंगत के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। हमारी स्किन की रंगत को ये निखारते हैं, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। साथ ही साथ जो पिगमेंटेशन यानी कि काली छाइयों की प्रॉब्लम हमारी स्किन पर हो चुकी है, चाहे वो आपके पूरे फेस पर हो, चाहे आपके नेक पर हो, चाहे आपके नोज पर हो, कहीं पर भी अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आप इमली का जो ये पेस्ट में बताने वाली हूँ, जो पेक में बताने वाली हूँ, अगर आप इसको लगाते हैं तो काफी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं, अपनी पुरानी से पुरानी पिगमेंटेशन छाइयों को भी दूर कर सकते हैं। काफी इफेक्टिव पेक है, मैंने इसको यूज किया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स इससे, सबसे पहले आपको बता दूं। तो चलिए इस पेक को बनाना कैसे वो भी आप जान लीजिए। इस पेक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो इमली होती है उसको रात भर एक कटोरी में लेकर थोड़ी सी इमली पानी में आपको भिगा देनी है, नॉर्मल पानी में। उसके बाद आपको इसको अच्छे से मेश करके इसको छान लेना है। छानने के बाद जो इसका पल्प हमें मिलेगा, जो इसका गुर्दा हमें मिलेगा, उसके अंदर हमें मिक्स करना है एक चम्मच बेसन और एक चम्मच फ्रेश दही, यानी कि ताजा दही हमें इसके अंदर मिलाना है। साथ ही साथ चुटकी भर हल्दी आप इसके अंदर मिला दीजिए और आधा नींबू का रस आपको इसको मिलाना है। ये जो पेक बन के रेडी होगा ना आपका, ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगा। आप जरूर ट्राई करिएगा। बस इन सबको मिक्स करके आपको एक पेस्ट बना लेना है और इसको आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है 15 से 20 मिनट के लिए, मतलब जब तक ये सूख ना जाए। चाहिए आधा घंटा ले सूखने में, कितना भी सूखने में टाइम ले, आपको इसको सुखाना है अच्छे से, एकदम टाइट आपको कर लेना है, जिससे आपके स्किन में एक टाइटनेस भी आती है, जो ये पेक मैंने आपको बताया है। इस पेक को लगाकर आपको सुखा लेना है और इस पेक को आपको वीक में 2 बार यूज करना है। जब आप इसको रेगुलर यूज करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेगी, आपकी पिगमेंटेशन लाइट होने लगेगी, जो डार्क काले धब्बे आपके फेस पर है वो धीरे धीरे लाइट होने लगेंगे। रेगुलर यूज करने से खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप इस इमली के पेस्ट को अपने फेस पर यूज कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी पर यूज कर सकते हैं, जहां भी आपको कालापन है, सन टेनिंग है, वहां पर आप इसको यूज करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।